इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स। ट्रेन से भागकर उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है, बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जूरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. हेरिटेज ऑन व्हील्स। इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9. पंचतख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8. महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है, इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7. रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है, जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5-स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5-स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं, तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था।
1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक प्रशासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सदर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4. डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन्स में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा की बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं और प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौर होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। 2. राजस्थान ऑन व्हील्स। भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत 3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। 1. महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है।
महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, LED टीवी, DVD प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं, और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन ट्रेन्स में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवे इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखें हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स।